हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में डायल पैड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में स्क्रॉल करने पे ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्री डॉट का, आपको क्लिक करके सेटिंग को ऑप्शन पे ऑन कर लेना। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग पे, यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद में इस पर ऑन करेंगे, यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक्स नंबर, आपको ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक करना है। तो आपको उन्होंने नंबर की कॉल ब्लॉक करना है तो इसको ऑन कर लेंगे। और यहाँ से आपको फोन में एड नंबर पर क्लिक करके किसी एक नंबर की कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ से आपको नंबर ट्राई कर लेना और आप अपने फोन में एक नंबर की कॉल ब्लॉक कर देंगे। तो इस पर आपको फोन में कॉल ब्लॉक इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉलिंग अकाउंट, आपको क्लिक कर लेना। आप जैसे अपने फोन में एडवांस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे अपने फोन में कॉल फॉरवर्ड करेंगे रीडिंग सेटिंग के बाद में, यहाँ पर आपको कॉल बैटिंग एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से अपने फोन में कॉल बैटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में, क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट, जैसे कि आपको अपने फोन में किसी कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करना है, जिसको ऑन करेंगे। इस प्रकार ऑन करेंगे और आज रिकॉर्ड पर क्लिक करके इस प्रकार आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल करेंगे। सिलेक्ट नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो आपको कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और आपको आलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करके ऑन कर देंगे। तो आपको फोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। यहाँ से आपको बैक होना है, डिस्प्ले पर क्लिक कर लेना है, स्टोर वाइप पे क्लिक करेंगे। जो आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उसको आप फर्स्ट नाम या लास्ट नाम से इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा नेवर प्लीज, आपको नेवर प्लीज पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद भी यहाँ से आपको नेवर प्लीज पे ये ऑप्शन जो है आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद भी यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्यों, जैसे कि आपके फोन में कोई भी व्यक्ति कॉल कर रहा है और आप उठ नहीं पा रहे हैं आप इमरजेंसी में, तब फ्री होने के बाद में आप उसको यहाँ से कोई भी मैसेज ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको बैक होना है। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फ़ोन में साउंड, तो आपको साउंड पे क्लिक कर लेना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको स्पीकर का इंटरफेस ओपन होगा, तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड मोड, तो यहाँ पर आपको मीडियम, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म जो भी रखना है आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन में अलार्म चेंज करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन, रिंगटोन, रिंगटोन, इसके आपको अपने फोन के रिंगटोन चेंज करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप यहाँ से रिंगटोन चेंज कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने फोन के रिंगटोन चेंज करेंगे। यहाँ से आपको पे होना है। पे होने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा हैप्टिक्स एंड नोटिस, आप क्लिक कर लेना। यहाँ से अपने फ़ोन में डायल पैड नोटिस साउंड, स्क्रीन लॉक साउंड, स्क्रीन शॉट, डायल डिलीट शॉट साउंड, टच साउंड, तो आप अपने फोन में जो भी साउंड ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट यहाँ से अपने फोन में साउंड ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वीडियो कॉलिंग का और यहाँ से वॉइस मेल, तो आप इस नंबर पर अपने वॉइस मेल भेजना चाहते हैं एड बात सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक कर लेना। और यहाँ से आप अपने फोन में जिस नंबर पर अपने वॉइस मेल में नंबर ट्राई करके और यहाँ से आप अपने फोन में वॉइस मेल ऐड कर देंगे। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंट, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्लिप टू साइलेंट का, इसको ऑन कर लेना। इस पर अपने फ़ोन में इसको जब ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन जो है साइलेंट पर हो जाएगी। इस पर अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग इनेबल करेंगे। आई होप अगर आपको मैं वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।